योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बढ़ते आगे, कोविड के बाद भी तेज है यूपी की आर्थिक रफ्तार। सीएम योगी की नीति का असर दिख रहा है। बैंकिंग, पर्यटन, निवेश में लगातार आगे बढ़ रहा यूपी और यूपी में अंत्योदय का संकल्प पूरा हो रहा है। योगी ने बीमारू राज्य का ठप्पा हटाया। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से फंड आकर्षित करने में यूपी नंबर एक पर रहा है। तो आयकर रिटर्न की बात करें तो आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और यूपी में अंत्योदय का संकल्प अब पूरा हो रहा है। योगी ने बीमारू राज्य का ठप्पा अब उत्तर प्रदेश से हटाया है। तमाम जो विषय है उनको लेकर के विकास कार्यों की बात करें, सभी में गति अब तेज हुई है। योगी ने बीमारू राज्य से अब ठप्पा उत्तर प्रदेश का हटा दिया है। यूपी में सबको अब तमाम विकास कार्यों का लाभ भी मिल रहा है। यूपी ने सबको अब पीछे पछाड़ दिया है। यूपी में तमाम विकास कार्यों को गति मिली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रंग ला रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के नीतियों के तहत जो कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कवायद रंग ला रही है। योगी सरकार की कोशिशें हर सेक्टर में नए यूपी की तस्वीर पेश कर रही है। कोविड 19 के कारण विश्व भर में आर्थिक मंदी के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपनी सुदृढ़ ग्रोथ बनाए रखने में सफल रही और प्रदेश की वार्षिक आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में जीएसडीपी 16,45,317 करोड़ थी, जो साल 2021 और 22 में करीब 20% की बढ़ोतरी के साथ 19,74,532 करोड़ हो गई है। वहीं 2022 और 30 के लिए तैयार अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य की आय 21.91 लाख करोड़ आंकी गई है। तो इतना ही नहीं, कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो गया है। इतना ही नहीं, जितना रिटर्न फाइल किए जाते थे पहले की बात करें उसमें भी अब बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मामले में उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनकर अब उभर रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2014 में 1.65 लाख रिटर्न फाइल हुए थे, वहीं इस साल की अगर बात करें तो उसकी संख्या में वृद्धि हुई है। 11.92 लाख ये संख्या अब हो गई है।